रेट है उसके बारे में जानकारी और इस राइजिंग राजस्थान में उसकी भी क्या तैयारी की है उन्होंने जिले लेवल पर, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और जिस तरह से इस बार इतनी भारी वर्षा हुई है, उसमें भी जो अतिवृष्टि हुई है, खराबा हुआ है, उसके बारे में भी ये तुरंत ही जो भी खराबी हुई है उसको स्टेट लेवल पे भेजें, जयपुर भेजें, ताकि हम वहाँ से भी ये काम जल्दी से शुरू करें। और जहाँ भी जो कार्य करना है, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो फसल खराबे की बात हो, बिल्डिंग्स की बात हो, सब पे कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के भी जिला स्तरीय जो बैठक हुई, बिल्कुल जिला स्तरीय 2 दिन इन्होंने निर्धारित किए हैं। उस समय ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे IT पार्क की घोषणा हुई है, यहाँ पर माइनिंग की भी बहुत संभावनाएं हैं, मार्बल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, टूरिज़्म भी काफ़ी बड़ा है, स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी है, पूरे ज़िले में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को इन्वाइट करने वाले हैं, इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट करने वाले हैं यहाँ पर जिले लेवल पर, तो वो आके यहाँ पर इन्वेस्ट करें, अपना यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित करें। मैम, आप अजमेर की प्रभारी हैं, लो आपने बारिश को अभी देखा होगा, बहुत भारी बारिश हुई। अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है, जगह जगह पर कई लोगों को घरों में ही कैद रखना पड़ा। एक पूरा मास्टर प्लान ड्रेनेज का सभी शहरों का बनाना ज़रूरी है। उस पर तो हमारे UDH मंत्री खर्रा जी जो है, उन्होंने जयपुर में बैठक ली है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हर शहर का ड्रेनेज प्लान बने, तो एक मास्टर ड्रेनेज प्लान बने, उस पर फिर काम करें, क्योंकि अभी ये ड्रेनेज वैसे ज़्यादातर कहीं भी है नहीं। मैंने माननीय मंत्री जी को कहा कि दिल्ली के लेवल पर हम लोग कोशिश करें कि अमृत योजना में भी इसको शामिल किया जाए। SDRF मैंने बताया, SDRF है, NDRF है, इसमें हमारे प्रस्ताव जाएँ जल्द से जल्द, इसलिए मैंने कलेक्टर साहब। अजमेर स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है, उसके बाद भी बारिश के दौरान और अभी जो अतिवृष्टि हुई उसमें हालात जो है बद से बदतर हो गए, उसको लेकर भी आपने आज मीटिंग के दौरान बिल्कुल, अभी मैं दोबारा बोलूँगी, रिपीट करूँगी फिर अपने आप को कि इसकी पूरी बैठक हमने ली, समीक्षा ली कि इसमें आगे जो भी, चाहे SDRF हो, NDRF हो, इसमें जो भी प्रस्ताव जा रहे हैं तुरंत जाए। और जो ये जो सड़कें बनी थी, ये अनफॉर्चुनेटली उस समय की बनी हुई है जब हमारी सरकार नहीं थी, और बहुत ही घटिया क्वालिटी की सड़कें हैं ज़्यादातर। और क्या है, नालियाँ नहीं बनी है, ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज ना होने की वजह से पानी इकट्ठा सड़क में होता है और सड़क टूट जाती है। इस तरह की बारिश राजस्थान में बहुत समय बाद हुई, इसको आगे भी हो सकती है। इसको देखते हुए अब जो हम काम करेंगे वो क्वालिटी रोड करें और ड्रेनेज के साथ ही बनाएँ, चाहे कम बनाएँ लेकिन ड्रेनेज के साथ। ठीक, ओके।